प्रो कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 2 तेलुगु टाइटंस वर्सेस तमिल थलाइवस के बीच में खेला जाएगा। ये मैच 22 दिसंबर को 8:30 बजे खेला जाएगा एंड इस मैच का हम डिटेल में प्रीव्यू करने वाले हैं। दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 के बारे में बात करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को जानेंगे एंड साथ ही साथ एंड में प्रेडिक्शंस भी करने वाले हैं। कौन सी टीम मैच जीत सकते हैं, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, पूरा डिटेल में प्रीव्यू करने वाले। तो ओवरऑल वीडियो आने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो इस यहाँ पे आज के कुछ पॉइंट्स का बात कर लेते हैं, आखिर किस किस पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे टोटल हम 5 पॉइंट्स पे बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे तेलुगु टाइटंस के स्टार्टिंग 7 के बारे में, देन यहाँ पे हम बात करेंगे तमिल थलाइवस के स्टार्टिंग 7 के बारे में, देन दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, आखिर ये दोनों टीम्स के बीच में पीकेएल की हिस्ट्री में कितने मैचेस हो चुके हैं, कौन से टीम का पलड़ा भारी है हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में, देन यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन से प्लेयर्स के बीच में हमें बैटल देखने को मिल सकता है उस मैच में, देन यहाँ पे फाइनली हम प्रेडिक्शन करने वाले, मेरे क्या 4 प्रेडिक्शन रह सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड कौन सी टीम मैच जीत सकती है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। अब यहां पे बढ़ते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग 7 राउंड की तरफ। तो गाइस यहां पे सबसे पहले मैं आपको तेलुगु टाइटंस के स्टार्टिंग 7 बता दूं, तो गाइस यहां पे हमें तेलुगु टाइटंस के स्टार्टिंग 7 पे सेंटर पे देखने को मिल जाएंगे सिद्धार्थ देसाई, लेफ्ट इन पे देखने को मिल जाएंगे रोहित कुमार, राइट इन पे देखने को मिल जाएंगे राकेश गौड़ा, लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे सी अरुण, राइट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे सुरेंद्र गिल, लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे संदीप कंडोला एंड राइट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे ऋतुराज कुरावी। ये है प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 7 जो यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के मोस्ट प्रोबेबली पहले मैच के लिए रहने वाली है। अब यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करते हैं स्टार्टिंग 7 के बारे में। तो यहाँ पे रेडिंग डिपार्टमेंट तेलुगु टाइटंस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां पे आपको 3 मेन रेडर्स देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई, रोहित कुमार एंड राकेश गौड़ा है, एंड राकेश गौड़ा की जगह मे बी रजनीश भी खेल सकते हैं, इसके जगह ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कि राकेश ही को खिलाया जाएगा, राकेश की जगह रजनीश भी हो सकते हैं। तो मेन 3 रेडर्स रहने वाले जो यहाँ पे कई हद तक तेलुगु टाइटंस का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात की जाए डिफेंस की तो यहाँ पे आप कवर भी देख सकते हैं, सुरेंद्र सिंह एंड सी अरुण का जोड़ी रहने वाला है, तो ओवरऑल कवर भी तेलुगु टाइटंस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। एंड बात की जाए कॉर्नर्स की, तो गाइस कॉर्नर्स पर हमें संदीप कंडोला एंड ऋतुराज कोरावी देखने को मिल जाएंगे, तो कॉर्नर्स भी यहाँ पे तेलुगु टाइटंस का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इस बार काफी बेहतर स्टार्टिंग 7 बन रहा है। एंड यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या स्टार्टिंग 7 रह सकती आप भी कॉमेंट करके जरूर बताएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तमिल थलाइवस की स्टार्टिंग 7 के बारे में। तो गाइस तमिल थलाइवस के स्टार्टिंग 7 पे हमें सेंटर पे देखने को मिल जाएंगे मंजीत दहिया, लेफ्ट इन पे देखने को मिल जाएंगे के प्रपंजन, राइट इन पे देखने को मिल जाएंगे अतुल एमएस, लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे साहिल मलिक, राइट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे सुरजीत सिंह, लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे सागर कृष्णा एंड राइट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे सागर राठी। ये है तमिल थलाइवस की मोस्ट प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 7 जो यहाँ पे पहले मैच के लिए रह सकती है। अब यहाँ पे इनको भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 3 मेन रेडर्स है जो यहाँ पे मंजीत दहिया, के प्रपंजन एंड अतुल एमएस रहने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेडिंग डिपार्टमेंट भी सही है, लेकिन तेलुगु टाइटंस से थोड़ा सा वीक मुझे लग रहा है। एंड वहीं पे डिफेंस की बात की जाए तो गाइस यहाँ पे कवर भी थोड़ा सा वीक है। सुरजीत सिंह मानता हूं कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे साहिल मलिक में भी एक न्यू यंग प्लेयर है एंड साहिल की जगह आशीष मलिक भी खेल सकते हैं, अब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर का मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन राइट कॉर्नर पे तो हमें सुरजीत सिंह ही देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे कैप्टन है, एंड कॉर्नर पे हमें सागर कृष्णा एंड सागर राठी देखने को मिल जाएगा। तो कॉर्नर भी इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कहूंगा, अगर कंपेयर करें तेलुगु टाइटंस का, तो तेलुगु टाइटंस का टीम पे आपको संदीप कंडोला एंड ऋतुराज कोरावी देखने को मिलेंगे, एंड वहीं पे तमिल थलाइवस के कॉर्नर्स पे हमें सागर कृष्णा एंड सागर राठी देखने को मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो गाइस यहाँ पे तमिल थलाइवस को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको दोनों टीम्स के स्टार्टिंग से बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तरफ, आखिर दोनों टीम से क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो गाइस यहाँ पे टोटल इन दोनों टीम्स के बीच में टोटल 8 बार मुकाबला हो चुका है, 8 बार ये दोनों टीम आमने सामने हुई है, जहाँ पे तेलुगु टाइटंस की टीम 3 बार मैचेस जीती है एंड तमिल थलाइवस की टीम 5 बार मैचेस जीती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि तमिल थलाइवस का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस बार तेलुगु टाइटंस की स्क्वाड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें ऑन पेपर देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे तेलुगु टाइटंस तमिल थलाइवस नहीं लिखा है, चेन्नई हैदराबाद ऐसे करके लिखा है। तो गाइस यहाँ पे सिटी के यहाँ पे मेंशन किया हो तो गाइस यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगा। एंड लास्ट सीजन की बात की जाए तो गाइस लास्ट सीजन दोनों टीम्स के बीच में 2 बार मैचेस हो चुके थे एंड तेलुगु टाइटंस की टीम 1 बार जीती एंड वहीं पे तमिल थलाइवस की टीम भी 1 बार जीती। तो देखा जाए
तो हेड टू हेड भी बहुत ही क्लोज जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर, यानी कि कौन से प्लेयर के बीच में हमें बैटल देखने को मिल जाएगा मैच नंबर दो में। तो गाइस यहाँ पे मैं टोटल दो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, एक तरफ रेडर एक तरफ डिफेंडर। जो सबसे पहला बैटल हमें देखने को मिल जाएगा वो यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई एंड सुरजीत सिंह के बीच में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ देसाई किस आपके रेडर है एंड सुरजीत सिंह तमिल थलाइवास का कप्तान। सुरजीत सिंह यहाँ पे बेसिकली राइट कवर पर रहने वाले, ज्यादा टारगेट करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मे भी हमें इनका बैटल देखने को मिल जाए। एंड जो दूसरा बैटल है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है मनजीत एंड संदीप कंडोला के बीच में। जी हाँ दोस्तों, संदीप कंडोला बहुत ही लंबे वेट के बाद कमबैक कर रहे हैं पीकेएल में, एंड संदीप कंडोला लेफ्ट कॉर्नर पर रहने वाला, तो यहाँ पे मे भी मनजीत लेफ्ट कॉर्नर पे ज्यादा टारगेट ना करे, लेकिन यहाँ पे अगर हो सकता है टारगेट करे एंड हमें बैटल छोटा सा देखने को मिल जाए। तो कैसे दो बैटल जो यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई सुरजीत सिंह एंड मनजीत एंड संदीप कंडोला के बीच में देखने को मिल सकता है। आपके अकॉर्डिंग मैच नंबर दो में कौन से प्लेयर, कौन से रीडर एंड कौन से डिफेंडर के बीच में बैटल देखना आप पसंद करेंगे, आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा। अब यहाँ पे बढ़ते अपने फाइनल राउंड यानी कि प्रेडिक्शंस की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैं रोज की तरह मैच नंबर दो में भी प्रेडिक्शन करने वाला, टोटल चार प्रेडिक्शन करेंगे। अब देखते हैं इसमें से कितना प्रेडिक्शन मेरे एक्यूरेट जाते हैं मैच के टाइम। तो गाइस जो सबसे पहला प्रेडिक्शन है वो मेरा ये है कि सिद्धार्थ देसाई सुपर 10 लगाएंगे पहले मैच में। जी हाँ दोस्तों, पहले मैच में सुपर 10 स्कोर करने वाले हैं सिद्धार्थ देसाई। अब लेट्स सी क्या होता है, 10 से ज्यादा पॉइंट्स भी अचीव करेंगे, लेकिन यहाँ पे कम से कम 10 पॉइंट सिद्धार्थ देसाई पहले मैच में लगाने वाले हैं। जो दूसरा मेरा प्रेडिक्शन है वो ये है कि संदीप कंडोला पहले मैच में हाई फाई जड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लंबे वेट के बाद कम बैक कर रहे हैं एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम बैक करने वाले ऐसा मुझे लग रहा है, एंड मे बी हाई फाई लगा दे, 5 टैकल पॉइंट या फिर 5 से ज्यादा टैकल पॉइंट ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है। एंड जो तीसरा प्रेडिक्शन वो है कि जो मैच है वो यहाँ पे बहुत ही क्लोज जाने वाला, जो रिजल्ट है वो यहाँ पे बहुत ही क्लोज आएगा, यानी कि अगर कोई टीम जीतती है तो कैसे यहाँ पे 1 से 7 पॉइंट के बीच के मार्जिन से जीतेगी, या फिर ये मैच टाई भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे लगता है। एंड जो चौथा प्रेडिक्शन है वो ये कि तेलुगु टाइटन्स की टीम मैच नंबर दो जीत जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऑन पेपर के हिसाब से एंड मेरे अकॉर्डिंग जो ये मैच हो, यहाँ पे कई हद तक तेलुगु टाइटंस का पलड़ा थोड़ा भारी हो रहा है। जरूर हेड टू हेड रिकॉर्ड तमिल थलाइवास का बेहतर है, लेकिन ऑन पेपर के हिसाब से तेलुगु टाइटंस की टीम मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड तेलुगु टाइटंस की टीम मैच नंबर दो जीत सकती है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है, आप भी अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएगा, एंड आप भी अपने चार प्रेडिक्शन कॉमेंट करके बता सकते हैं। आप भी, आप क्या पता आपके भी प्रेडिक्शन यहाँ पे एक्यूरेट हो जाए। एंड मैक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी छोटे बड़े अपडेट्स निकल के आएंगे मैं भी आपको टेलीग्राम पे फटाफट इन्फॉर्म कर देने वाला, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैच नंबर 1 का प्रीव्यू नहीं देखा तो उसका भी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस शो को ही पैन करते हैं, आई होप आपको वीडियो थोड़ी पसंद आए। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आए इस शो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।